आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो को शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो उसका सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू करूंगा। इसके अंदर सबसे पहले ओपन चैनल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड जो चैप्टर है वो हम लोग का एनर्जी डेप्थ, एनर्जी डेप्थ रिलेशन शिप। फोर्थ वन चैप्टर है, उस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। फिफ्थ वन इज रैपिडली वेरिड फ्लो। सिक्स्थ वन इज सर जज। देखो ये जो रैपिडली वेरिड फ्लो चैप्टर है ना, इसी को हम लोग रैपिडली वेरिड फ्लो को ही हाइड्रोलिक जंप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिर ये जो है पूरा ये सिलेबस है। इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी है? ये यूनिफॉर्म फ्लो, दूसरा एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप और थोड़ा सा ये, मतलब ये तीन चैप्टर जो है सो इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं, इंट्रोडक्शन। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ओपन चैनल होता क्या है, ओपन चैनल कैसे फ्लो होता है, किस चैनल में होता है, फ्लो का टाइप कैसा होता है, कुछ बेसिक चीजें जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर्स, ये सब के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ कुछ और ये वैसे डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। तो फिर सबसे पहले ये बताइए ये ओपन चैनल होता क्या है। मैंने बोला ओपन चैनल फ्लो, देखिए होता क्या है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, टेक्निकल का पढ़ रहे हैं, नॉन टेक्निकल का पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको बेस्ट जानना है वो क्या चीज होता है, अगर आसान शब्दों में उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है, तो आप उसके शब्दों का मतलब समझिए। यहां पर तीन वर्ड, थ्री वर्ड्स है। ठीक है, पहला ओपन, दूसरा चैनल, तीसरा फ्लो। मतलब क्या कि किसी चैनल में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वो चैनल कैसा है, ओपन है, तो उस तरह के फ्लो को क्या बोल देते हैं, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो फिर एक एग्जांपल दे दीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा कि क्या वो ओपन चैनल फ्लो है कि नहीं। ठीक है, ये कोई पाइप था या फिर कोई सीवर लाइन बोल सकते हैं, मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आपको। मतलब क्या, ऐसे पाइप था कोई, इस टाइप का कोई पाइप था और मैं आपको ये वाला सेक्शन, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जब भी देखूंगा तो समझ जाइएगा
कि क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है ठीक है, लेकिन ये जो पाइप है वो चारों तरफ से क्लोज्ड है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये ओपन चैनल फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं, शायद ये आप बता दोगे। एक चैनल है, ये भी क्या है, ये भी चैनल का क्रॉस सेक्शन है। चैनल कैसा होगा, चैनल कुछ इस टाइप का होगा ठीक है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा, वाटर फ्लो कर रहा है ठीक है। तो मैं ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, इसके अंदर भी वाटर फ्लो कर रहा है, तो बताना क्या है, क्या ये ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, क्या ये ओपन चैनल फ्लो हो रहा है। चलिए सबसे पहले इसे ही देखता हूं, क्या है ये, एक चैनल है, वाटर का डेप्थ यहां तक है, कुछ इस डेप्थ तक, कुछ इस डेप्थ तक वाटर फ्लो कर रहा है ठीक है, और ये चैनल यहां पर एटमॉस्फेयर है, मतलब क्या, चैनल भी है, ओपन भी है और फ्लो भी हो रहा है ठीक है, ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें चैनल तो है, फ्लो भी हो रहा है, लेकिन ये तो ओपन नहीं, ये तो क्लोज्ड है, क्या ये ओपन चैनल होगा क्या। देखिए ये भी ओपन चैनल फ्लो ही है, कैसे है, ओपन चैनल फ्लो का इतना मतलब नहीं होता है कि ओपन चैनल सिर्फ चैनल ओपन हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो हो जाएगा तो फिर मैं फ्लो को बोल दूंगा कि वो ओपन चैनल फ्लो में है। क्या क्या कंडीशंस है, देखिए बेसिकली टू कंडीशन है, पहला क्या होता है कि फ्लोइंग ऑफ वाटर जो होता है, फ्लोइंग ऑफ वाटर मस्ट बी ओपन टू द एटमॉस्फेयर सो दैट देयर एग्जिस्ट एन लिक्विड गैस इंटरफेस, मतलब क्या, वाटर जो फ्लो हो रहा हो वो उस वाटर का जो सरफेस हो, वो वाटर का सरफेस एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, इसे क्या होगा, उससे एक लिक्विड गैस इंटरफेस बनेगा ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल को साफ साफ देखते चलते हैं कि क्या ये सारा, मैंने बोला कि ये ओपन चैनल है, अगर ओपन चैनल है तो ये सारा कंडीशंस को फुलफिल्स करेगा, एंड सेकंड कंडीशन क्या वो भी देखते हैं। चलिए ये यहां पर क्या है, ये क्या है, वाटर, तो ये जो वाटर का सरफेस है, ये जो वाटर का सरफेस है ये एयर के कॉन्टेक्ट में, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक लिक्विड गैस इंटरफेस बन रहा है ठीक है। एक कंडीशन तो वेरीफाई हो गया, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन बोलता है ये एक्चुअली में कंडीशन नहीं है, ये इसी का ही एक, आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन मैंने दिया उसी का ही एक स्पेसिफिक केस है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है। बोलता है क्या कि कंडुइट जो है, कंडुइट मतलब क्या होता है, चैनल्स जिस जहां पर फ्लो हो रहा था, कंडुइट्स शुड बी पार्शियली फिल्ड, मतलब क्या, जो कंडुइट हो वो पूरी तरह से फिल्ड ना हो, कुछ उसमें जगह खाली होगा तो क्या होगा, उसमें एयर आएगा तो क्या होगा, एक वाटर का लिक्विड गैस इंटरफेस बनेगा ठीक है। तो यहां भी क्या है, ये पार्शियली फ्लो हो रहा है ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, इसकी वजह से मैं क्या बोल दिया कि ये ओपन चैनल फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया बात, ओपन चैनल का मतलब ये नहीं ये ऊपर से ऐसे खुला होना जरूरी हो,
अगर कोई ट्रेंगुलर चैनल है इस टाइप का, जनरली ऐसा होता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर इस टाइप का कोई चैनल है, मैंने इसे ऊपर से भी ऐसे लॉक कर दिया है, मतलब कि ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, फिर इसके अंदर भी अगर फ्लो हो रहा है वाटर का और कुछ लिक्विड गैस इंटरफेस बनता है, ये एयर होगा ये वाटर होगा, तो फिर इसको भी ओपन चैनल फ्लो बोल देंगे। ठीक है, ओपन चैनल क्या होता है ये चीज तो समझ लिए, थोड़ा सा और ये देखते हैं कि चैनल कितने तरह का होता है। ठीक है, और क्या देखो, और एक चीज और बता देता हूँ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा बात है। ये जो ओपन चैनल फ्लो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इस फ्लो को कौन करवा रहा है, इस फ्लो को होने के लिए एनर्जी कहां से मिल रहा है। ठीक है, तो मान के चलो थोड़ा सा 3D से ही पहले समझो, बाद में फिर विजुअलाइजेशन खुद ही होने लगे। ठीक है, ये कोई चैनल है। ठीक है, ये चैनल में वाटर फ्लो कर रहा था। ठीक है, वाटर चैनल, इस चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है तो मैं इसका क्या देखूं, मैं इसका ये वाला व्यू देखता हूं, ये व्यू को क्या बोल दूंगा, साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू में यहां पर बना रहा। ठीक है, फिगर समझ लिए, ये कोई चैनल का बेड होगा और ये साइड व्यू बना रहा, तो इस चैनल के बेड में ये थोड़ा सा स्लोपी होगा, ज्यादा नहीं हल्का सा होगा, समझने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया हूं, और इसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा होगा, ये वाटर का टॉप सरफेस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा कि इस वाटर का अपना कुछ वेट होगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, कंट्रोल वॉल्यूम मान लेता हूं। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा कि मतलब मैं इसी वाटर के इतने ही एरिया पर एनालिसिस करके देख रहा हूं कि क्या हो रहा, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, जो वाटर होगा इसका अपना कुछ वेट होगा, वेट कैसे लगता है, वेट जो होता है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। वेट को क्या लिख सकता हूं, mg लिख देता हूं। ठीक है, ये वेट कंपोनेंट हो गया, इस वेट कंपोनेंट का एक कॉस कंपोनेंट होगा, क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इसका क्या है, इसके पैरेलल नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि इसके साथ एंगल थीटा बना, ये थीटा यहां, ये तो बताने का है नहीं, समझ ही लोगे कि जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां भी होगा, तो इस एम जी का एक साइन कंपोनेंट भी आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोल दूं, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और जब ये एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, और ये चैनल को मैं भी मान रहा हूं कि ये मानना क्या है, चैनल रफ होता ही है, रफ फील्ड है, क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं एफ से दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये जो एम जी साइन थीटा है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी, क्यों, वेट क्या होता है, वेट जो होता है वो ग्रेविटी फोर्स होता है, ये ग्रेविटी फोर्स का ही एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा वाटर को कि मैं तुम्हारे ऊपर इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, तुम इस तरफ खड़े हो जाओ, मतलब क्या पता चला, जो ड्राइविंग फोर्स इन OCF इक्वल टू mg साइन थीटा, और इसको और स्पेसिफिकली क्या लिख दूंगा, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, इच इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, देखो और क्या बता रहा हूं, ये तो ड्राइविंग फोर्स समझ गए, देखो थोड़ा सा एक चीज और समझो,
सीएफ पर्स के बारे में जानते हो? सीएफ पर्स क्या होता है? जो सीएफ पर्स होता है ना, वो एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी सरफेस के पैरेलल लगता है। इसके बारे में हम लोग सॉम में डिटेल्स में मैं तुमको पढ़ाऊंगा जब वीडियो अपलोड करूंगा तो, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, जो सीयर फोर्स होता है ना वो किसी भी सरफेस के पैरेलल में लगता है। कौन लगाएगा? मान के चलता हूँ ये वाटर जो है सो इनफाइनाइट लेयर्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो ये लेयर इस लेयर के ऊपर सीयर फोर्स लगाएगा, ये लेयर इसके ऊपर लगाएगा, इस प्रकार से सीयर फोर्स हर लेयर के बीच में एक्ट कर रहा है। ये जो सीयर फोर्स की वैल्यू होती है ना, ये बेड पर मैक्सिमम होती है। टाउ की वैल्यू होती है बेड पर मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ये सीयर फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। और जो टॉप होता है ना, ये वाटर का टॉप सरफेस, यहाँ पर टाउ की वैल्यू जीरो हो जाती है। टाउ क्या था? टाउ जो था सीयर स्ट्रेस था, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन था, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। और देखते हैं कि चैनल का, जो चैनल जो होता है ये कितने टाइप का होता है। चैनल टाइप्स ऑफ चैनल, टाइप्स ऑफ चैनल। देखो बेसिकली चैनल जो होता है सो दो तरह का होता है। एक को बोल देते हैं क्या, ब्रिज मैटिक चैनल, और जो दूसरा चैनल होता है ना उसको बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, देखो तो ये जो प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक होता क्या है, प्रिज्मेटिक चैनल बोलने का मतलब होता है कि कोई भी चैनल जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। प्रिज्मेटिक का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैं सॉम में बताऊंगा कि प्रिज्मेटिक बीम होता है, प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि कोई भी वैसा स्ट्रक्चर जिसको अगर तुम लॉन्गिट्यूडनली देखोगे, मतलब क्या लेंथ के लॉन्ग देखोगे, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यहाँ भी वही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यहाँ भी वही क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब पूरे लेंथ वाइज। तो चैनल, जिस चैनल का भी क्रॉस सेक्शन एरिया उसके लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज ना हो रहा, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा जितना भी लेंथ में मैं उसे देखूं। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो चैनल आर्टिफिशियली बना होगा, क्योंकि अगर वो चैनल नेचुरल होगा तो उस चैनल के अंदर स्कॉरिंग होगा, सिल्टिंग होगा, जिसके कारण उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन में चेंज आ जाएगा, कभी बेड स्लोप चेंज हो जाएगा, कभी साइड स्लोप चेंज हो जाएगा, कभी साइड में फ्रिक्शन आ जाएगा, कुछ भी होगा, ठीक है? तो जो मैन मेड चैनल होता है, और उसमें भी कौन सा, लाइन चैनल, सीवर लाइन, ये सब चीज जिसका बाउंड्री हम लोग फिक्स कर दिए, तो उसको प्रिज्मेटिक चैनल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको चेंज नहीं कर रहे। नॉन प्रिज्मेटिक क्या, उसका जस्ट उल्टा, जितना भी नेचुरल चैनल होगा, रिवर, कोई अनलाइन कैनाल या फिर इस तरह का जो भी तुम स्ट्रक्चर देखते हो, वो सब क्या हो जाएगा, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल हो जाएगा। प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक के अलावा चैनल को थोड़ा सा और ज्यादा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, और उसको बोल देते हैं क्या, जो फर्स्ट कैटेगरी होगा उसको बोल देते हैं ये अदर क्लासिफिकेशन, तो बोल सकते हो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स। ठीक है, क्या क्या होगा, फर्स्ट को बोलते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल, और जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल। रिजिड बाउंड्री चैनल क्या होता है, मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होता है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिजिड मतलब क्या, वो रिजिड है, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे। मोबाइल मतलब क्या, कि वो मोबाइल, सेलफोन नहीं, मोबाइल का मतलब होता है क्या, जो मूवेबल हो या फिर जिसको चेंज किया जा सकता है। तो रिजिड बाउंड्री चैनल क्या होता है ना, कि रिजिड बाउंड्री चैनल का चैनल हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये भी क्या हुआ, ये भी आर्टिफिशियल चैनल्स, जैसे कि लाइन कैनाल,
सीवर लाइंस etc. और मोबाइल मल्टी चैनल क्या, इसके अंदर स्कॉरिंग हो सिल्टिंग हो, उसकी वजह से उसका बार बार क्रॉस सेक्शन बदलते रहता है, ठीक है। क्या रिजिड बाउंड्री चैनल और प्रिज्मेटिक चैनल सेम ही होगा क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जनरली जो प्रिज्मेटिक चैनल, तुम ऐसा बोल सकते हो जो प्रिज्मेटिक चैनल्स होते हैं वो रिजिड बाउंड्री जनरली हो सकते हैं, लेकिन सारे रिजिड बाउंड्री चैनल प्रिज्मेटिक चैनल होंगे ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैं खुद ही ऐसा चैनल बनाता हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन जाकर आगे लेंथ वाइज सेम ना हो, कुछ वैसा जरूरत हो जाए जिसके कारण हम लोग क्या कर दो, यहाँ पर चैनल ज्यादा वाइडर था, आगे जाकर उस चैनल को मैं नैरोवर कर दिया, यहाँ पर इसका चैनल का क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, हो सकता है यहाँ पर ट्रैफिक वाइडर था, मैं आगे जाकर सर्कुलर बना दिया, इसकी वजह से क्या होता है इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे, लेकिन कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। इसीलिए इसमें लेकिन किए क्या है, इसका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम लोग रिजिड कर दिया, मतलब कि ये बाउंड्री कभी भी वाटर के डिस्टरबेंस के कारण चेंज नहीं होगा, जैसा बना दिए हैं वो वैसा ही फिक्स होगा, ठीक है। और मोबाइल बाउंड्री चैनल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, वो फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब मैं बताता हूं तुम्हें कि जो हम लोग ओपन चैनल पढ़ रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं, ओसीएफ के अंदर हम लोग सिर्फ इसका बात करेंगे, ठीक है। और ये जो मोबाइल बाउंड्री चैनल है, ये जो मोबाइल बाउंड्री चैनल, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, सारा कुछ पढ़ना है लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में। जब मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा उस समय मोबाइल बाउंड्री चैनल की भी बात करूंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तभी हम लोग का सिलेबस ये। और देखो और भी कुछ प्रॉपर्टी बताओ रिजिड बाउंड्री चैनल का। मैं क्या बोला, इसका बाउंड्री जो होता है सो चेंज नहीं होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, मतलब कि किसकी आजादी की बात हो रही है, चैनल है इसके अंदर क्या फ्लो होगा, वाटर, मतलब कि वाटर की आजादी की बात हो रही है कि वाटर कितने तरीके से आजाद है फ्लो करने के लिए। देखो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं रिजिड बाउंड्री चैनल का एक क्रॉस सेक्शन जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा, मैं बोला क्या ये जो सेक्शन है इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया, मतलब रिजिड कर दिया, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, ये क्या, ये वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब क्या, ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ये अपना सिर्फ डेप्थ को ही बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसकी वजह से क्या होगा इसका क्रॉस सेक्शन में जो भी चेंजेज आएगा वो सिर्फ चेंज इन डेप्थ के कारण आएगा। वाटर का डेप्थ कम होगा, वाटर अभी यहां था, फिर वाटर डेप्थ का बढ़कर कैसा हो गया, ऐसा हो गया, जो भी चेंजेज आ रहा है डेप्थ के कारण आ रहा है। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज होने के लिए फ्री है, मतलब इसके पास 1 degree ऑफ फ्रीडम है, वो क्या है, वो है डेप्थ। लेकिन जब मोबाइल बाउंड्री चैनल का बात करते हैं ना, तो इसमें देखो क्या क्या चेंज कर सकते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल के अंदर हम लोग। मान के चलो कि अब ये मोबाइल बाउंड्री चैनल है, इसका जो बाउंड्री है वो रिजिड नहीं है, ठीक है। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर काफी तेज वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसका जो साइड्स है ना, इस साइड्स के अंदर इरोजन आएंगे, इरोजन आएंगे, मिट्टी कट जाएगा, मिट्टी कटने के कारण हो सकता है किसका शेप कुछ ऐसा हो जाए, अगर वेलोसिटी काफी स्लो है ऐसा हो सकता है किसके इसके ऊपर सिल्ट भर जाती, इसका कुछ शेप ऐसा हो जाए, इसका कुछ शेप ऐसा हो जाए, मतलब क्या 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 चेंज हो सकता है, साथ ही साथ इसमें वाटर का डेप्थ भी चेंज हो सकता है। तो मैं देख क्या रहा हूं, इसमें विड्थ भी चेंज हो रहा है, डेप्थ भी चेंज हो रहा है, इसका लेआउट भी चेंज हो जा रहा है, और क्या चेंज हो जा रहा है, इसका स्लोप भी चेंज हो जा रहा है। तो मतलब इसमें क्या क्या चेंज है, 1 2 3 4, इसको मैं बोल दूंगा क्या कि मोबाइल बाउंड्री चैनल में हमारे पास 4 degree ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। चैनल का भी बात कर लिए,
ओपन चैनल क्या होता है उसका भी बात कर लिए, थोड़ा सा बात फ्लो पर करता हूं। क्यों? क्योंकि इसी से हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फ्लो क्या होता है? फ्लो कुछ नहीं होता है, जो वाटर का वॉल्यूम है किसी टाइम के साथ वो उसका रेट जो होता है उसी को हम लोग फ्लो कर देते हैं। नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखते हैं कि ये फ्लो कितने तरह का होता है, किसी भी चैनल में फ्लो कितने तरह से हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर कहीं कुछ डाउट आता है आपको किसी भी प्रकार का, कोई भी टॉपिक में डाउट आता है, अगर ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करके डाउट को दूर कर दूंगा। और भी अगर कोई अलग से प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि फ्लो कितने तरह का होता है। फ्लो क्या होता है? फ्लो कितने तरह का होता है? फ्लो का कुछ कैटेगरी देखते हैं। देखो फ्लो, फ्लो को बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला कैटेगरी क्या है? स्टेडी फ्लो। सेकेंड कैटेगरी क्या है? अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है? अनस्टेडी क्या फ्लो होता है? क्या होता है सब कुछ देखते हैं पहले, और इसको फिर से टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो। सेकेंड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या फिर वेरिड फ्लो। ठीक है, अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म होता है इसको भी ऐसे लिख लो, इसको भी थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? पहला होता है ग्रेजुअली वेरिड, ग्रेजुअली वेरिड। सेकेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो या फिर जीवीएफ। इसको क्या बोल दूंगा? रैपिडली वेरिड या फिर अनवेरिड। तीसरा क्या होता है? स्पेशियली वेरिड या फिर एसवीएफ। देखो पहले स्टेडी फ्लो देख लेते हैं क्या होता है। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि अगर तुम्हारा डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज है अगर वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब क्या, किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए? तो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए। यहां जब हम लोग रिजिड बाउंड्री चैनल का सारा बात ये सब जितना देख रहे हैं वो सब कुछ रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर देख रहे हैं। रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? रिजिड बाउंड्री, मैं क्या बताया था? रिजिड बाउंड्री चैनल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब कि वो अपना सिर्फ डेप्थ चेंज कर सकता है। डेप्थ चेंज कर सकता है तो क्या क्या, डेप्थ से क्या क्या रिलेशन मिलेगा? उसका बाउंड्री फिक्स होता है। तो इसके अंदर डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ फ्लो और वेलोसिटी, और क्यू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? ए वी। ये क्या था? एरिया था। बी इंटू वाई इंटू, अगर रेक्टेंगुलर चैनल का बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू वाई। और वेलोसिटी बी क्या था? बी तो मेरा फिक्स था, क्यों? क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री चैनल था। तो फिर क्या चेंज कर सकता हूँ? डेप्थ चेंज कर सकता हूँ या वेलोसिटी चेंज कर सकता हूँ। अगर डेप्थ को चेंज करूँगा तो डिस्चार्ज भी चेंज हो जाएगा, अगर वेलोसिटी को चेंज करूँगा तो तब भी डिस्चार्ज मेरा चेंज हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्टेडी फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो के अंदर जो डिस्चार्ज होता है, ये जो डिस्चार्ज है ये टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि मैं चैनल के किसी भी सेक्शन पर जाकर किसी एक चैनल को, किसी चैनल के एक सेक्शन को फिक्स कर लिया, तो मैं इसी सेक्शन पर आकर फ्लो का प्रॉपर्टीज देखूंगा। ठीक है, और उस चैनल पर जाकर मैं अभी देखा, उस सेक्शन पर गया, चैनल के किसी सेक्शन पर गया और वहां जाकर अभी देखा, डिस्चार्ज 5 मीटर क्यूब,
मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से हो रहा था। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद आया, फिर भी देख रहा हूँ उतना ही। 10 घंटे बाद आया, फिर भी उतना ही है। 12 घंटे बाद आया, फिर भी उतना ही है। 2 दिन बाद आया, उसके बाद फिर भी देखा तो डिस्चार्ज उतना ही है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, अलग अलग समय पर किसी चैनल के किसी सेक्शन के लिए, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर अगर मैं फ्लो प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज, डिस्चार्ज, अगर मैं डिस्चार्ज को देखता हूँ तो वो डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं क्या, स्टेडी फ्लो। अगर वो डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट ना हो जाए तो उसको क्या बोल दूंगा, अनस्टेडी फ्लो बोल दूंगा, ठीक है। अब क्या बात होता है कि इसी स्टेडी फ्लो के अंदर अगर वाटर का डेप्थ भी कॉन्स्टेंट हो जाए, मतलब क्या, मैं किसी चैनल को देख रहा हूं और लेंथ वाइज मैंने मान के चलिए मैं चैनल को किसी चैनल को ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, चैनल को ऊपर से देख रहा हूं, ये वाटर फ्लो कर रहा है, चलिए ऊपर से नहीं मैं साइड व्यू दिखाता हूं आपको, ठीक है, कोई चैनल है उसका मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूं, ये चैनल का बेड और इसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है ही, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका डेप्थ भी सेम हो जाए, यहां जो डेप्थ है यहां भी डेप्थ है, मान के चलो ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर पहले भी देखा, यहां भी डेप्थ क्या है, वाई है, 1 किलोमीटर बाद भी जाकर देखा, यहां भी डेप्थ वाई है, और आगे गए वहां भी डेप्थ वाई है, बीच में भी हर जगह यहां वहां डेप्थ सेम है। तो ऐसे में इस टाइप का अगर कहीं फ्लो होता है ना, तो उस फ्लो को हम लोग बोल देते हैं क्या, कि यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि लेंथ वाइज, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस क्या होता है, स्पेस बोलते हैं किसी डिस्टेंस को, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर आपका फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज कौन सा, डिस्चार्ज और डेप्थ, अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो ये मेरा यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है। तो थोड़ा सा और सोचो और सोच कर बताओ कि अगर क्यू मेरा कांस्टेंट है और वाई को भी फिक्स कर दिया हूं कि वाई भी मेरा कांस्टेंट है, डेप्थ चेंज नहीं हो रहा था, क्या वी भी कांस्टेंट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू बी इंटू वाई इंटू बी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो ये भी यूनिफॉर्म फ्लो की प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसा बताओ कि क्या अनस्टेडी फ्लो में भी यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, जब वहां डिस्चार्ज ही कांस्टेंट नहीं है तो वो यूनिफॉर्म डेप्थ कैसे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अनस्टेडी फ्लो के अंदर यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। तो मैं क्या बोला कि अगर डेप्थ सेम हो जा रहा है तो मैं उसे यूनिफॉर्म फ्लो बोल दे रहा हूं, और यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर हम लोग डेप्थ को वाई एन से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। इस चीज को ध्यान में रखना, जब यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ाऊंगा सेकेंड यूनिट, तो इसमें जब भी वाई एन की बात करूंगा तो समझ लेना यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान के चलो कि डिस्चार्ज मेरा कांस्टेंट है, लेकिन जो डेप्थ है वो डेप्थ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर वाई एन डेप्थ था, ठीक है, आगे जाकर कुछ डेप्थ चेंज हो गया, कैसा, कुछ इस टाइप का कंडीशन है, कुछ ऐसा केस हो रहा है, कुछ ऐसा केस है, ठीक है, यहाँ का डेप्थ वाई वन था, यहाँ का डेप्थ वाई टू है, यहाँ का डेप्थ वाई थ्री, इस टाइप से वाटर का डेप्थ चेंज हो रहा है, तुम इसे यूनिफॉर्म फ्लो बोलोगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाटर का डेप्थ विद स्पेस सेम नहीं हो रहा है। तो जब वाटर का डेप्थ विद स्पेस सेम नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोल दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल दूंगा। तो ये जो डेप्थ में जो चेंजेज आता है ना, ये डेप्थ में जो वाटर का डेप्थ में चेंजेज है, ये अचानक से भी आ सकता है किसी वजह से, और कभी कभी काफी डिस्टेंस पर भी जाने के बाद भी थोड़ा सा चेंजेज मिलता है। जैसे इसी केस में मानो मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस गया, यहाँ का डेप्थ 1 मीटर था,
1 किलोमीटर, चलो 5 किलोमीटर ले लेता हूँ, 5 किलोमीटर आगे गया और जो यहाँ का डेप्थ मिला, ये डेप्थ मुझे मिल गया 1.2 मीटर। मतलब क्या, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए तब जाकर डेप्थ के अंदर 0.2 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। क्या बहुत सिग्निफिकेंस डेप्थ है, बहुत ही सिग्निफिकेंस चेंज है। मतलब कि मतलब इतना छोटा है कि इसको इतना लंबा डेप्थ जाने के बाद थोड़ा सा चेंजेज आ रहा है, चेंजेज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस टाइप का जो चेंजेज होता है ना डेप्थ के अंदर, तो उसको बोलते हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली मतलब पता है कि धीरे धीरे आराम से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए, उसके बाद फिर फ्लो के डेप्थ में थोड़ा सा चेंज आया, तो हो गया ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कैसा हो जाता है ये देखो, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा ये बेड था और फिर एक स्लुइस गेट मान लो, या फिर यहाँ पर कुछ डैम था, यहाँ से वाटर गया ऐसे क्या और ऐसे हुआ। मतलब क्या, यहाँ का डेप्थ क्या था, Y1 था, कुछ ही ज़्यादा नहीं, कुछ मीटर्स मान के चलो कि 10 मीटर्स, 10 मीटर्स डिस्टेंस पर गया, ये भी ज़्यादा ही है, कोई वैसा नहीं, और डेप्थ तुम्हारा इतना ज़्यादा चेंज हो गया। क्या देख रहे हो, काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही वाटर का जो डेप्थ में जो डेप्थ होता है उसमें ज़्यादा चेंजेज आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जल्दी से हुआ क्या, इसका रैपिडली बोल सकता हूँ क्या कि वाटर के डेप्थ में रैपिड चेंज आया। इसी वजह से इस प्रकार का जो चेंजेज होता है उसको बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। और ये जो चेंज आया, इस चेंज को लाने के लिए जो फेनोमिना हुआ ना, इस फेनोमिना को बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। ये भी एक हमारा अलग यूनिट है, ये भी एक अलग यूनिट है, ये भी एक अलग यूनिट है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशियली वेरिड फ्लो क्या होता है, स्पेशियली वेरिड फ्लो क्या होता है कि तुम्हारा फ्लो हो रहा है, मान के चलो कि तुम्हारा ये कोई बेड था, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ये बना दिया, परफोरेशंस वाला कुछ बेड था, वाटर फ्लो हो रहा था और यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये कुछ डिस्चार्ज इसके अंदर से निकल जाएगा और कुछ सीधे चला जाएगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ Q1 रेट से निकल रहा है वाटर, यहाँ Q2 रेट से जा रहा है, ये Q रेट से डिस्चार्ज इधर से आ रहा था, Q=Q1+Q2, और ये भी स्टेडी रेट है, ये भी स्टेडी रेट है, और ये भी स्टेडी रेट है, क्योंकि स्टेडी फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का डिस्चार्ज में तुम क्या देख रहे हो कि जो ओरिजिनल डिस्चार्ज था वो डिस्चार्ज के अंदर से हम लोग कुछ डिस्चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, मतलब कि निकाल ले रहे हैं, लेकिन निकाल कैसे रहे हैं, यूनिफॉर्म रेट से ही निकाल रहे हैं। तो इस टाइप का अगर मैं इसमें ऐड भी कर दूं, मान के चलो कि मैं यहां से वाटर ऐड कर दे रहा हूं, तो इसका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। या तो निकाल लूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, या ऐड कर लूं, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से करूं। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है ना, उस फ्लो को हम लोग बोल देते हैं स्पेशियली वेरिड फ्लो, ठीक है। तो ये जो तीन केस हम लोग देखे फ्लो का, ये तीनों केस में क्या हो रहा था, फ्लो जो था स्टेडी था, ठीक है। लेकिन अगर यही फेनोमेना अनस्टेडी रेट से हो, मतलब क्या, वाटर के डेप्थ में चेंजेज आए, धीरे धीरे आए, लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट ना हो, फिर क्या, वाटर के डेप्थ में रैपिड चेंज आए, ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट ना हो, और वाटर के अंदर में हम लोग कुछ डिस्चार्ज में, या तो मैं डिस्चार्ज को कुछ ऐड कर लूँ या एक्सट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, लेकिन वो भी स्टेडी रेट से ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको भी बस सिमिलरली इसी तरह से बोल देंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, और स्पेशियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। ये सब हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम लोग, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो को थोड़ा सा देखेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ, उससे समझने में थोड़ा सा मदद मिलेगा कि क्या होता है। देखो जो ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, देखो जो फ्लड होता है, जो फ्लड आता है, क्या वो स्टेडी रेट से आता है, क्या उसका डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट होता है, क्या नहीं, वो किसी भी डिस्चार्ज में आ सकता है।
तो वो जो फ्लड होता है वो अनस्टेडी होता है, लेकिन जो फ्लड आने के कारण वाटर का जो डेप्थ चेंज होता है, किसी मान के चलो किसी रिवर में फ्लड आ गया, फ्लड आने के बाद रिवर का क्या होगा, डेप्थ में चेंजेज आएगा, तो वो अचानक से चेंजेज नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, तो इसको बोल देते हैं कि ये ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो का एक एग्जाम्पल है। रेपिडली वेरिड फ्लो का क्या होगा एक एग्जाम्पल, कभी समुद्र तट के किनारे जाओ देखो बड़े बड़ा पत्थर लगा होता है, पत्थर के ऊपर में समुद्र की लहरें आकर उससे टकराती है और उसके बाद फिर वो टूट जाती है, लहरें टूट जाती है क्या मतलब वो लहरें खत्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लहर जो लहरों की ऊंचाई होती है जो वेव्स होती है ये जो मान के चलो कि काफ़ी ऊंचाई से वो वेव्स आती है और यहाँ पर टकराने के बाद इससे टकरा कर वो खत्म हो जाती है, मतलब कि जो कम डिस्टेंस काफ़ी कम डिस्टेंस में वाटर का डेप्थ में रैपिड चेंज आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी क्यों कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो किस रेट से जो वेव्स फॉर्मेशन हो रहा है सी के किनारे, सी शोर मतलब समुद्र तट के किनारे जो ब्रेकिंग ऑफ वेव्स फेनोमेना होता है वो भी अनस्टेडी रेट से होता है, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है, इसको क्या बोल दूंगा, तो बोल दूंगा ब्रेकिंग ऑफ वेव्स एट सी शोर। देखो मैं यहां पर किसी को कुछ नोट्स नहीं बनवा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो समझने के बाद फिर आप खुद से किसी भी टेक्स्ट बुक की मदद से नोट्स बना लेंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता होगा वीडियो को पॉज करके और वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर वीडियो हो जाएगा मैं नोट्स बनवाने लगूंगा तो फिर आपको ही बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो एक स्टेडी स्पेशियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो देखते हैं क्या होता है, स्टेडी स्पेशियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो ठीक है, जो मान के चलो कि रेनफॉल हुआ, रेनफॉल जब हो जाता काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है तो उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, रन ऑफ, ये सब कहाँ पढ़ना हम लोग को, ये सब हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे, तो जो रेनफॉल की वजह से फिर जो रन ऑफ होता है वो रन ऑफ क्या होता है, इसको हम लोग सरफेस रन ऑफ भी बोलते हैं, मतलब कि सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ रेनफॉल की वजह से कुछ डिस्चार्ज ऐड हो गया क्या, पहले से जो डिस्चार्ज था वाटर के ग्राउंड पर उसमें रेनफॉल होने के कारण कुछ डिस्चार्ज ऐड हो गया, तो डिस्चार्ज ऐड हुआ क्या, ये यूनिफॉर्म रेट से हुआ क्या, नहीं हुआ, ये स्टेडी रेट से नहीं हुआ, ये अनस्टेडी हुआ क्योंकि यहाँ डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट नहीं है और जो रन ऑफ हो रहा है डिस्चार्ज ऐड होने के कारण हो रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये होता है स्टेडी वेरिड स्पेशियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ये सब सारा चीज हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है।